हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट को हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे कि पहचान क्या है। इन वाक्यों में जो हिंदी के वाक्य होते हैं पास्ट इंडेफिनिट के, उनमें अंत में आ था, ई थी, या, ई, ये आता है। एक ता था, ती थी, ते थे, ये आता है। या फिर आ, ई, ए, ये आता है। तो ये इसकी पहचान है, हम इसको इस तरह से पहचानेंगे। अगर वाक्य के अंत में ये सब चीज़ें आती हैं तो समझेंगे कि ये पास्ट इनडेफिनिट है। अब इनको बनाना शुरू करते हैं। फॉर्मूले, सबसे पहले अफर्मेटिव, जैसे कि मैंने बताया कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल डबल इंटरोगेटिव, यही सभी में बनाने हैं। इसमें बस दो एक्स्ट्रा हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। तो अफर्मेटिव का क्या फॉर्मूला, अफर्मेटिव मीन्स स्वीकारात्मक, जिसमें किसी बात को एक्सेप्ट किया जाता है, किसी भी फैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये चीज़ है। तो इसका फॉर्मूला होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर्स। ये फॉर्मूला होगा अफर्मेटिव का। अगर हम नेगेटिव की बात करें, नहीं वाली बात करेंगे अगर हम, तो उसमें जो नोट वाला फॉर्मूला होगा उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस डिड लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस यहाँ पे नोट लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर्स। ये फॉर्मूला होगा नेगेटिव का। और अगर हम सिंगल इंटरोगेटिव की बात करें, सिंगल इंटरोगेटिव का मतलब मैंने बताया था कि जिनमें क्या शब्द पहले आता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम व्हाट नहीं लगाएंगे, क्या की इंग्लिश पहले भी मैं बता चुकी हूँ। उसके लिए क्या करेंगे कि जो डिड है सेकंड नंबर पे, फर्स्ट सेकंड, सेकंड पे जो डिड है, इस हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ले आएंगे। तो यहाँ पर डिड ले आएंगे, यहाँ पर ये सब्जेक्ट कर देंगे और बाकी सारा वही नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर्स और क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा क्या वाला फॉर्मूला, जिनमें, जिन वाक्यों में क्या सबसे पहले होता है उनके लिए बस ये डिड इधर ले आएंगे और ये सब्जेक्ट इधर। अगर डबल इंटरोगेटिव की बात करें हम, डबल इंटरोगेटिव मैंने आपको बताया था जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, ये बीच में आ जाते हैं, तो उनकी इंग्लिश सबसे पहले लाते हैं और उनकी इंग्लिश हमेशा डब्लू या एस से ही शुरू होती है। तो सबसे पहले वो डब्ल्यू एच वाला वर्ड लाएंगे, इनको डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच लाएंगे, उसके बाद ये सारा ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। तो प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि नोट आए चाहे नेवर आए, सारे एक जैसे फॉर्मूले बनेंगे। और अगर नेवर वाला अलग आता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कि कैसे बनते हैं। तो नेवर यहाँ पर, नोट नेवर, यहाँ भी नेवर आ सकता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अदर्स हम कॉम्प्लीमेंट को या एडजंक्ट्स को बोलेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी बचेगा उसको हम अदर्स में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। एक एम्फेसाइजिंग होते हैं, मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था कि जो एम्फेसाइजिंग होते हैं उनमें या तो शब्द होता है या अवश्य होता है। तो यहाँ पर अगर तो या अवश्य शब्द है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये वाला फॉर्मूला नोट वाला, वहाँ भी मैंने बताया था नोट वाला फॉर्मूला ही बनता है विदाउट नोट, उसमें नोट नहीं लगाते। तो इसका फॉर्मूला जाएगा सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर डिड प्लस यहाँ पर नोट को छोड़ देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। और अगर एक इसमें हैबिचुअल होते हैं, आदत प्रकट करने वाले, जैसे कि मेरे दादाजी मुझे कहानियाँ सुनाया करते थे, इस तरह के जो पहले होती थी और अब नहीं होती हैं, उस तरह के आदत प्रकट करने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस यूज्ड टू लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अब हम इनका यूज देखेंगे कि इनका यूज कैसे होता है। मैंने जैसे कि एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल लिया है और उसको अलग अलग सेंटेंस में लिख दिया है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं कल आगरा गया था,
तो इस ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें इस बात को एक्सेप्ट किया जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है कि मैं कल आगरा गया था। तो सबसे पहले वही आ था, वाक्य के अंत में आ था आ रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब जब हम इसको इस फॉर्मूले से बनाएंगे, क्योंकि अफर्मेटिव है तो इस फॉर्मूले से इसको हम बनाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं। कौन गया था? मैं। तो आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म जाना, जाना को यहाँ पे गया हो गया है पास्ट इंडेफिनिट की पहचान के अकॉर्डिंग, तो जाना हो गया गो। और सेकंड फॉर्म लिखनी है हमें, किसी भी वर्ब की थ्री फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर हमें जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस हम पास्ट इंडेफिनिट के बनाएंगे उनमें सेकंड फॉर्म लिखेंगे। तो गो की सेकंड फॉर्म हो गई वेंट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? आगरा। तो टू, जगह से पहले टू और आगरा, और कल गया था, बीस बीते हुए कल की बात हो रही है, तो पास्ट में होती भी वही है कि बीते हुए कल की बात होती है, तो यस्टरडे। तो आई वेंट टू आगरा यस्टरडे, मैं कल आगरा गया। अब हम ये देखेंगे दूसरा सेंटेंस, मैं कल आगरा नहीं गया था, तो ये एक नेगेटिव है क्योंकि इसमें नहीं आ रखा है, तो इसको हम इस फॉर्मूले से बनाएंगे, सब्जेक्ट आई और डिड सभी के साथ, डिड इसमें ये भी नहीं देखना कि कौन फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है, सिंगुलर है, प्लूरल है, सभी के साथ डिड। तो आई डिड, थर्ड नंबर पे नोट, तो नोट लगा देंगे यहाँ पे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पर, जाना मिस गया तो ये गो आगरा, सॉरी टू, ये प्रीपोजिशन टू और आगरा, आई डिड नॉट गो टू आगरा, और ये कल बचा है अदर्स के लिए, अदर्स में कल आ जाएगा क्योंकि कल हमारा एडजंक्ट है, अदर्स में हम इसको लिखेंगे तो यस्टरडे। अगर हम ये वाले सेंटेंस की बात करें, क्या मैं कल आगरा गया था, तो यहाँ पर क्या शब्द पहले आ गया, तो जो भी मैंने बताया था कि क्या शब्द जब पहले आ जाते हैं तो उसको मैंने अपनी सुविधा के अनुसार उसको सिंगल इंटरोगेटिव नाम दे दिया है। तो इसमें क्या करेंगे कि ये इधर आ जाएगा और ये इधर, और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिड लिखेंगे, तो डिड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? आई, नॉट नेवर छोड़ देंगे अगर नहीं है तो, क्योंकि मैंने बताया था पहले भी आपको सेंटेंसेस में कि जो ये इंटरोगेटिव होते हैं सिंगल और डबल, इनमें नोट आ भी सकता है और नहीं भी, अगर नोट आता है तो उसको नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, तो इसमें ये नोट नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना गो, और ये ऑब्जेक्ट हो गया आगरा, तो टू आगरा, तो डिड आई गो टू आगरा, और कल बच गया यहाँ पे, तो यहाँ पर यस्टरडे। अब यही वाला सेंटेंस देखेंगे, मैं कल आगरा क्यों नहीं गया था, तो इसमें हमने देखा कि क्यों शब्द पहले आ गया, जो इंट्रोगेटिव वर्ड है हिंदी में वह बीच में आ गया और उसकी इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे, तो डब्ल्यू और एच से शुरू होगी उसकी इंग्लिश, मैंने पहले ही बताया था। तो ये प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, तो क्यों की इंग्लिश हो गई वाई, तो हम सबसे पहले डब्ल्यू एच लगाएंगे, तो डब्ल्यू से बनने वाला शब्द है वाई, क्यों। उसके बाद डिड, अब सब्जेक्ट आई, नोट नेवर लगाएंगे, इसमें नहीं है तो नोट लगाएंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो जाना, टू आगरा, और यस्टरडे कल। अब मैं इस सेंटेंस की बात करूं, मैं कल आगरा गया तो था, मैंने भी बताया आपको कि जो तो और अवश्य होते हैं अगर वे शब्द आ जाएं तो उनको एम्फेसाइजिंग कहते हैं, दबाव प्रकट करने वाले शब्द कहते हैं, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगता है नोट वाला, लेकिन नोट नहीं लगता है, तो ये वाला फॉर्मूला इसके लिए लगेगा। तो आई डिड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, टू आगरा, और यस्टरडे। अगर ये वाला सेंटेंस है, मैं पिछले साल आगरा जाया करता था, तो हमें पता चल रहा है कि ये आदत वाला हैबिचुअल है, तो इसको बनाएंगे हम इस वाले फॉर्मूले से। आई यूज्ड, यूज्ड टू मतलब आदि होना किसी चीज़ का, तो यूज्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, टू आगरा, ऑब्जेक्ट आ गया, अदर्स में
पिछले साल यहाँ पर है तो पिछले साल को कहेंगे लास्ट ईयर. आई यूज टू गो टू आगरा लास्ट ईयर, मैं पिछले वर्ष या पिछले साल आगरा जाया करता था. अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो जाया करता था ये सेंटेंस मैंने इसमें यूज टू का यूज किया है, यहाँ पर यूज टू लगाया, तो अब मॉडर्न इंग्लिश में यहाँ पर वुड का यूज भी होने लगा है. तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, आई वुड गो टू आगरा लास्ट ईयर, ये भी आप बना सकते हैं. तो मैं अभी कुछ और एग्जाम्पल्स आपको दूंगी, उनसे हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे कुछ अलग तरह के सेंटेंस जिनमें हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, हमेशा कन्फ्यूजन हो जाता है, उस तरह के एक दो सेंटेंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर बताऊँगी, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, क्लियर टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा. जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं किस किसने किस किस को क्या क्या दिया, तो हम इसको पढ़ेंगे किसने किसको क्या दिया. तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे, तो लिखेंगे who gave what to whom. क्यों हमने ऐसे बनाया, हु वाला जो सेंटेंस होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि जितने भी हु वाले सेंटेंस होते हैं वे अफर्मेटिव की तरह बनते हैं. तो जो अफर्मेटिव होता है सब्जेक्ट हमें पता चलता है जब हम वर्ब से पूछते कौन किसने, तो जो उत्तर मिलता है वही सब्जेक्ट होता है. तो अगर सब्जेक्ट नहीं दिया गया और सीधा हु दे रखा है तो हम सब्जेक्ट की जगह पर हु लिखेंगे. तो यहाँ पर हमने हु लिखा किसने यानी किसने, और वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी गेव, और क्या ये क्या हो गया तो वाट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की तरह से यूज किया क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ये भी मैं बता चुकी हूँ कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं अगर हम वाट पूछे उनसे कि वाट क्या, जो उत्तर मिलता है वही ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर हमने वाट लिख दिया. और टू हुम किसको, ये अदर्स में आ गया, लास्ट में आ गया, तो हो जाएगा हु गेव वाट टू हुम. तो हु वाले आप समझ गए कि कैसे बनते हैं, जैसे अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें अगर आप सब्जेक्ट की जगह पर हु को लगाए तो वह सेंटेंस बन जाता है. इस वाले सेंटेंस में एक कन्फ्यूजन वाला सेंटेंस हमेशा आपने सुना होगा, लोग पूछते रहते हैं गया गया गया, जैसे मैं आपको ये बताऊं गया गया गया, तो ये गया नाम है यहाँ पर, गया प्रसाद, गया मोहन, कोई भी हो सकता है, एंड ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गई जाना, और गया हो गया जगह का नाम जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान मिला था. तो इसको हम जो बनाएंगे इसकी तरह बनाएंगे अफर्मेटिव की तरह, तो ये गया हो गया, गया नाम हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, सेकेंड फॉर्म को की जाने की वेंट, और टू गया ये जगह का नाम, तो गया वेंट टू गया. इसमें ये भी पूछ लेते हैं लोग गया गया नहीं गया, तो आप नोट की तरह बनाएंगे, डिड का यूज करेंगे, क्या गया गया गया, आप उसको सिंगल इंटरगेटिव बनाएंगे, और गया गया क्यों गया गया कब गया, ये आप उसको डबल इंटरगेटिव की तरह बनाएंगे. तो आई थिंक कि आपको इस समझ में आ गए होंगे. अब बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए उतना अच्छा है. तो मैं प्रैक्टिस के लिए इसमें सेंटेंस भी डालूंगी, जो कमेंट्स हैं उसमें आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज डालूंगी, उससे आप प्रैक्टिस करते रहें. और अब हमने नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा फ्यूचर इनडेफिनिट, इसके साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें. हैव ए गुड डे.